अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इकराम गजनफर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कामी। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि राड कैसे बनाया जा सकता है, वो भी आसान तरीके से, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंट, इसको 1000 वाट का भी और 2000 वाट का भी आप ले सकते हैं, एक टेस्टर प्लस कुछ वायर और एक मिट्टी की प्लेट, जिसमें ये इस तरह के सुराख बने हों। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर इस वीडियो में कुछ मसला नज़र आए या समझ ना आए तो कमेंट करके लाजमी पूछ लेना। तो अब सीखते हैं कि कैसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये जो सुराख है ना, इनको आपने ऐसे लगाना है कि हर एक में से निकाल के इसको ले आना है। जैसे मैं इसे इधर से स्टार्ट करता हूँ। इन सुराखों में से, सब में सुराखों में से निकालना है इसे। को ऐसे ये टाइट कर देना है ताकि आपको इजी हो जाए और आसानी से इसे लगाया जा सके। अब ये देखें, हमने इन्हें इसे लगा लिया है, ऐसे इसे लगा लेना है। अब इसे कनेक्शन के लिए कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे इधर से अटैच कर लें, इधर से आप इसे ऐसे लगा देना कि ताकि ये लूज़ ना रहे, क्योंकि लूज़ रहने से ये करंट पार करेगा और आपके जो पीछे से सर्किट आ रहा था उसे मसला करेगा, वायर जलने का मसला हो सकता है, या जिधर आपने स्विच लगाया होगा वो मसला कर सकता है। अभी इसको इस तरह अंदर डाल, इसे ऊपर से आपस में ज्वाइन करें। इसे ऐसे लगा लेना, दूसरी वायर को भी। जो ये वायर लगानी है इसकी इंसुलेशन उतार लेनी है, क्योंकि ये लोड की वजह से ना इंसुलेशन जल जाएगी। और याद रहे, इसे जब भी चलाएं पानी वगैरह में डुबो के चलाना, वैसे नहीं चलाना, वैसे ये मसला करेगा। अभी इधर इसे लगा लें,
फिर उसी तरह ये भी आपस में ज्वाइन कर लें। ये इधर से अभी तैयार हो गया है। अभी कोई भी 3 नत्ती की वायर ले लें, हल्की नहीं लेनी क्योंकि ये ज़्यादा लोड लेता है और आपने हल्की नहीं लेनी। 3 नत्ती की ले लें, 7 नत्ती की ले लें। तो आप इस वायर को आगे से छील कर आपस में ज्वाइन कर दें और ये भी याद रहे ये भी लूज़ ना हो। इसी तरह ये दूसरे को भी लगा लें। ये जो हमारा राड अभी तैयार हो चुका है तो आप ऐसे पानी में डुबो कर चेक कर सकते हैं। और ये एलिमेंट ये याद रखना है कि एलिमेंट इतना छिका हुआ भी ना हो, बस इस तरह का हो नॉर्मल। तो ये आपका राड तैयार हो गया। और तार के या लाजमी याद रखना है कि बड़े एलिमेंट के लिए 3 नत्ती की जो अच्छी तार है वो इस्तेमाल करें, नॉर्मल तार इस्तेमाल ना करें। और आगे से जो स्विच है वो भी अच्छा इस्तेमाल करें क्योंकि ये स्पार्क भी बहुत ज़्यादा करता है, लोड ज़्यादा यूज़ होने की वजह से स्पार्क कर सकता है, तो वो आपकी वायरिंग भी मसला कर सकती है। तो लिहाजा ये आपका एलिमेंट राड तैयार हो चुका है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर और कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो इसके नीचे कमेंट करना, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।